रिव्यू होने के लिए अपनी गाड़ी आ रही है, लग रही है ट्रैक पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पीयूष। अभी मेरे पीछे खड़ी है स्कॉर्पियो एन की बिल्कुल टॉप मॉडल। इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, इसमें देखेंगे आपको क्या ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। इंटीरियर एक्सटीरियर फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं सिंगल वीडियो में। अगर आप लोग वाराणसी और नियर बाय से बिलोंग करते हो, महिंद्रा की कोई भी कार चाहिए, बिल्कुल शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आगे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की से। तो ऐसी की आपको यहाँ देखने को मिलती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन क्लासिक में, जहाँ पे आपको महिंद्रा की 3D लोगो देखने को मिलती है पीछे क्रोम फिनिश में। एंड यहाँ पे आपको 3 बटन्स देखने को मिलते हैं लॉक अनलॉक एंड बूट का। यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो जो व्हीकल है वो लॉक हो जाएगी, यहाँ पे टर्न लाइट इंडिकेटर ब्लिंक करेगा एंड यहाँ से प्रेस करने पे पीछे बूट ओपन हो जाता है। अब स्टार्ट करते गाइज, सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट से। गाइज ये टॉप मॉडल, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो इसका लोगो है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे अवेलेबल होता है एंड यहाँ पे आपको कुछ क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी फ्रंट में। यहाँ पे आपको कुछ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड सुंदर लगती है। हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, उसमें क्रोम की फिनिशिंग एंड यहाँ पे आपको गाइस इंडिकेटर टर्न लाइट इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड सुंदर और बल्की लुक लगता है। अगर इसको ओल्ड से कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा ये इसका जो डायमेंशन है बड़ा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओल्ड वाली ये खड़ी है एंड गाइज न्यू वाली ये है। अब उसको क्लासिक के नाम से जाना जाता है एंड इसको स्कॉर्पियो एन के नाम से। ये इसका फेसलिफ्ट वेरियंट है। एंड बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलता है एंड यहाँ पे भी आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ हनीकॉम में या फिनिशिंग देखने को मिलेगी इसके ग्रिल पे एंड काफी ज्यादा बड़ा बम्पर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड गाइज थोड़ी सी गंदी है, उसको इग्नोर करिएगा एंड यहाँ पे आपको इसका फ्रंट में बोनट। बढ़ते हैं गाइज इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा गाइज 245/65 R17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा रियर एंड फ्रंट दोनों में ही। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, तो काफी ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस हो जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइज आप एक सेकेंड, हाँ साइड प्रोफाइल देखिए काफी ज्यादा इसका बड़ा है एंड यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे आपको पूरा बैक से लेके फ्रंट तक देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल यहाँ पे ORVM देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा बड़ा ORVM देखने को मिलता है। एंड गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर ले नीचे से। तो यहाँ पे ग्लाइडिंग, डोर ग्लाइडिंग भी देखने को मिलेगी डुअल कलर में। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड मैट फिनिश सिल्वर में यहाँ पे आपको डोर ग्लाइडिंग देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलता है एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको फ्रंट ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड में देखने को मिलेगा। अभी गाड़ी गाइज लॉक है एंड इसको मैं प्रेस करूंगा तो जो कि व्हीकल अनलॉक हो जाएगी। ये है काफी ज्यादा यहाँ पे हैवी आपको डोर देखने को मिलता है एंड अच्छा है व्हीकल की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा ठीक है एंड प्रीमियम लगती है देखने में। एंड अभी हम लोग इसके इंटीरियर की भी बात करेंगे एंड सबसे पहले डोर की बात करें तो यहाँ पे लेदर फिनिश में यहाँ पे आपको इसका कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट फिनिश देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डोर कंट्रोल्स भी कुछ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिलेगी एंड लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैंडल आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा हैवी फीलिंग देता है ये एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी यहाँ पे आता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे और अब बढ़ते हैं गाइस इसके रियल प्रोफाइल की तरफ। रियल प्रोफाइल अगर आप लोग इसका देखते हैं तो ये भी पूरी तरीके से चेंज है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फुली LED सेटअप में इसका ब्रेक लाइट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 3D में स्कॉर्पियो एन का लोगो, महिंद्रा का यहाँ पे आपको न्यू वाला लोगो देखने को मिलता है 3D में। एंड यहाँ पे भी आपको बैक में भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे गाइस आपको जो इसका LED है ब्रेक लाइट है वो LED देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको LED टर्न लाइट इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे आपको जब रिवर्स गियर लगाते हो तो यहाँ पे भी वो भी आपको लाइट LED देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे आपको फ्यूल लोब देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक 3D लोगो देखने को मिलेगा। एंड ये है कुछ इसका गाइज लेफ्ट साइड प्रोफाइल। एंड यहाँ पे गाइज इसका जो मैंने आपको हैंडल दिखाई दिया, अभी ओपन करके भी दिखाऊंगा इसको। एंड यहाँ पे आपको जो पीछे इसका पार्किंग लाइट है वो देखने को मिलेगा एंड रिफ्लेक्टर भी साइड में देखने को मिलेगा। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे रियर में देखने को मिलेंगे एंड सेम इधर भी है। एंड इसको हम लोग गाइज इसको अनलॉक करते हैं रियर में। तो व्हीकल अनलॉक था तो ये इजली ओपन हो गया। काफी ज्यादा हैवी डोर है गाइज, चाहे फ्रंट बोलिए चाहे पीछे का, ये आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलता है। और ऐसा है कुछ इसका फ्रंट। अगर बात करें गाइज इसके बूट स्पेस की तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर इसको आप खोले रहते हो, सीट को अपने खोले रहते हो तो कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिलता है। फिर इसको आप अगर सीट को क्लोज कर देते हो गाइज, इसको आप तो गाइज ये आपको कुछ और स्पेस मिल जाता है सीट को फोल्ड करने के बाद। तो अगर कुछ सामान वामान कैरी करना है तो इसको फोल्ड कर लो, बाकी तो ठीक है यार। थर्ड रो सीट काफी ज्यादा अच्छी होती है अगर आपके पास
पांच लोग से ज्यादा बंदे हैं तो इसको सीट को अपने अनरिक्लाइन कर दो और इजिली पीछे को दो लोग बैठा सकते हो पीछे। एंड इसको करते हैं क्लोज। काफी ज्यादा हैवी यहाँ पे आपको डोर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको जो इसका वाइपर है, रियर वाइपर, ये भी देखने को मिलेगा टॉप मॉडल में। अब बढ़ते हैं गाइस इसके इंटीरियर की तरफ। एंड गाइस ये इसका इंटीरियर, काफी ज्यादा प्रीमियम कर दिया महिंद्रा ने अपने इंटीरियर को। अभी गाइस मैं इसके सीट को पीछे कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको सब इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। तो आप इसको इजिली क्लिक करोगे और आप पीछे जाओगे। तो ये काफी ज्यादा देखो बढ़िया एंड कूल है। ये देखो सीट पीछे जा रहा है, तो अब ये पूरा पीछे जा चुका है। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्टीयरिंग देखने को मिलेगी गाइस। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल के लिए यहाँ पे आपको स्टीयरिंग में देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे आपको मीटर कंसोल, एंड अभी मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा। काफी अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो एंड की बैजिंग देखने को मिलेगी, एसी वेंट्स, एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल देखने को मिलेगा, एसओएस, हैजार्ड लाइट, यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा, एंड आपको ड्राइव मोड यहाँ पे सब देखने को मिल जाएंगे गाइज। ये मैनुअल वेरिएंट है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स देखने को मिलता है। एंड ये इसका पार्किंग, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं हैंडल्स देखने को मिलेगा। इसको आप ओपन भी कर सकते हो और कुछ सामान वामान यहाँ रख सकते हो। एंड हैंडल यहाँ पे आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे, इधर और इधर भी। तो काफी ज्यादा मतलब आपको प्रीमियम लुक आने वाला है। यहाँ पे आपको सोनी का स्पीकर देखने को मिलता है, यहाँ इधर एसी वेंट्स, एंड ये इसका कुछ मीटर कंसोल। यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर कंसोल प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको गाइस जो सीट एडजस्टेबल एंड हाइट एडजस्टेबल है वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। एंड ये इसका आर्मरेस्ट, रियर में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है लुक गाइस। ये है इसका सनरूफ, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। ये है पूरा बढ़िया सा इसका सनरूफ गाइस। ये की मेरे पास है एंड इसको इजिली मैं यहाँ पे रख के एंड व्हीकल को ऑन कर सकता हूँ। एंड गाइज ये जो की है व्हीकल है ये ऑन हो गया। एंड अब मैं आपको इसका सनरूफ खोल के दिखाता हूँ। ये गाइज देखिए इसका सनरूफ ओपन हो गया। तो काफी ज्यादा मतलब महिंद्रा ने अपने स्कॉर्पियो को प्रीमियम बना दिया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे ऑफ हो गया। एंड गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं अच्छे से। एसी ओसी भी वगैरह चल रहा है। एसी को यार मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा ऐसा फुली डिजिटल। एंड मीटर कंसोल गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एनालॉग। एंड यहाँ पे आपको एंड गाइज यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट एंड जो गाइज यहाँ पे आपको चेक टायर डायरेक्शन, यहाँ पे काफी सारी चीजें देख रही है। और यहाँ पे आपको जो इसका स्पीडोमीटर है ये ओडोमीटर। एंड यहाँ पे आपको गाइज लो फ्यूल इंडिकेशन, लो फ्यूल डिजिटल लो फ्यूल गेज, एंड यहाँ पे गाइज आपको इंजन हीट टेम्परेचर, काफी सारे फीचर देखने को मिल जाता है इसके मीटर कंसोल पे। एंड गाइज ये है इसका स्टीयरिंग, जहाँ पे आपको इधर राइट साइड में क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल के लिए देखने को मिलेगा। बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सो इजिली आप इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो अपने मीटर कंसोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम को। एंड यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। ये इसका पार्किंग। एंड यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली ओपन कर सकते हो। ये आर्मरेस्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिल जाते हैं इसके आर्मरेस्ट पे। अब हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट सीट से इसके रियर सीट की तरफ। मैंने आपको इसका सनरूफ दिखाई दिया जो कि महिंद्रा ने सबसे बड़ा अपडेट किया अपने स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो क्लासिक टू स्कॉर्पियो एन में। तो अब हम लोग चलते हैं इसके रियर में। तो फ्रंट का कुछ ऐसा इसका केबिन रहा, काफी ज्यादा हैवी लुक का यहाँ पे आपको रियर का जो इसका गेट है देखने को मिलेगा। और चलिए डायरेक्ट चलते हैं अब इसके पीछे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा डोर देखने को मिलता है जहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग में डोर हैंडल देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे मैट फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइज इसका पावर विंडो कंट्रोल, जहाँ से आप अपने मिरर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे गाइज आपको कैप्टन सीट देखने को मिलेगा मिडिल में, जहाँ से कैप्टन सीट का गाइज जो कंफर्टेबिलिटी होता है वो अलग ही होता है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल पूरा फ्लैट सीट रहता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा रियर में। एंड यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिलता है। एंड बंद कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे गाइज आपको हैंडल वंडल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऊपर हैंडल देखने को मिलता है सॉफ्ट क्लोज हैंडल। एंड यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको रियर में कुछ ऐसा गाइज देखने को मिल जाता है स्पेस। एंड यहाँ पे ऊपर आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, हैंडल देखने को मिल जाते हैं, एंड आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगी गाइज। अगर बूट स्पेस की बात करें तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि आपको पीछे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है आफ्टर सीट रिक्लाइन, सिर्फ रिक्लाइन जब कर दोगे तो क्या बूट स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ आपको एसी वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, इसमें से आपको कोई भी ठंडी की दिक्कत नहीं होने वाली है। व्हीकल अभी ऑन हो चुकी है और कोई भी वाइब्रेशन इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी आवाज नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने एसी को। एंड कुछ ऐसा है इसका पूरा इंटीरियर, मतलब काफी ज्यादा स्पेसियस भी है। यहाँ पे टोटल भी दो लोग आगे बैठे हैं एंड एक लोग इधर बैठे हैं, एक भैया पीछे बैठे हैं, तो कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है।
एक चीज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो इसका रियर कैमरा है वो ऑन दिखेगा जब आप इसके रियर गियर को लगाओगे। तो मैनुअल आपको IRBM देखने को मिलेंगे, वैनिटी मीटर देखने को मिलेगा आपको फ्रंट में। एंड गाइस अगर बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो ये एप्पल कारप्ले एंड ऑटो कारप्ले दोनों ही कोई सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट भी आता है एंड इट मीन्स एलेक्सा भी, आप इसको कंट्रोल करके आप इजीली अपने सनरूफ को ओपन कर सकते हो, म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो और भी सारी चीजें को कंट्रोल कर सकते हो। अभी गाइस जो लाइक अभी हम बोल एलेक्सा ओपन द सनरूफ, ये देखिए गाइस इसका जो सनरूफ है वो ओपन हो गया इसके वॉइस असिस्ट से, तो काफी ज्यादा बढ़िया ये सब फीचर है। अब इसके सनरूफ को हम लोग बंद कर देते हैं। इसमें 6 एयरबैग टोटल आता है एंड सोनी का इसमें आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट में ट्यूटर भी देखने को मिलता है। तो स्पीकर का भैया थोड़ा सा सुना दीजिएगा तो इसका एलेक्सा प्ले द सॉन्ग। गाइस मैं आपको थोड़ी देर के लिए सुनाऊंगा या तो कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस ये था इसका म्यूजिक सिस्टम, आप लोगों ने सुन लिया होगा। रैनम टार्क मिलता है इसमें डीजल वेरिएंट में। गाइस ये डीजल वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, टोटल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। यहाँ पे फीचर बहुत है, फीचरिस्टिक आप बोल सकते हो, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं स्कॉर्पियो एन में। एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्लासिक से तो पूरी ही अलग है, लेकिन क्लासिक के जो यार कस्टमर वो अलग ही बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रीमियमनेस चाहिए तो आप स्कॉर्पियो एन में आ सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम, मीटर कंट्रोल्स एंड यहाँ पे आपको कैप्टन सीट चाहिए एंड सनरूफ, तो आप इसमें आ सकते हो। और बैठने के बाद काफी अच्छा फील यहाँ पे आता है। एंड अभी जो कि व्हीकल की स्पीड चल रही है वो 65-70 किलोमीटर पर आवर चल रही है और अंदर कोई भी महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी जर्किंग महसूस नहीं हो रहा है, जो कि रोड में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन है लेकिन एकदम पता नहीं चल रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। अरे पीछे जर्किंग नहीं है, जो उसकी जर्किंग रहती है आप लोग राइड देख सकते हैं एकदम लाइव। और भैया बहुत खतरनाक ब्रेक मार रहे हैं। और क्या भैया एकदम मतलब कुछ क्लासिक से कैसी है ये? बहुत बहुत मजेदार। देखिए आप लोग यार लाइव देख लीजिए, मतलब टार्क मिल रहा है मजबूत, गाड़ी में पावर है, 2200 CC का इंजन मिलेगा जी, तो डीजल में पेट्रोल में 2000 CC का इंजन मिलेगा। तो ये देखिए भैया इसमें बता रहे हैं कि जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें 2000 CC का आपको इंजन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको 2200 CC का डीजल में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे आप जैसे कि अभी भैया रिव्यू के लिए आए थे वो बोल रहे हैं कि क्लासिक से काफी ज्यादा बढ़िया है ये और लग्जरी भी है मे बी। तो एंड एक्सटीरियर तो पूछो मत गाइस, डायमेंशन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, वो थोड़ी सी छोटी देखने को मिलती है एंड ये बड़ी देखने को मिलती है स्कॉर्पियो एन। एंड यहाँ पे प्राइसिंग का भी डिफरेंट है बट आपको वो चीज महिंद्रा देती है। गाइस ये ZED लग्जरी मॉडल है एंड इसकी जो टॉप मॉडल जो इसकी टॉप मॉडल की प्राइस है वो है 23,78,000 एंड काफी ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी एंड इसमें आपको एलेक्सा देखने को मिलता है जो कि मैंने अभी आपको कंट्रोल करके दिखा दिया। यहाँ पे आपको रियर स्टोरेज देखने को मिलता है, देखिए 540 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको पीछे थर्ड रो सीट जब तोड़ेंगे तो। अच्छा रिक्लाइन के बाद ठीक है, फिर उसको जब ओपन कर देंगे भैया तो ठीक स्पेस रहेगा भाई। हाँ तो मान ली 50-60 लीटर बूट स्पेस आफ्टर रिक्लाइन का, यहाँ पे आपको 50-60 लीटर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज काफी ज्यादा बढ़िया है तो इसमें टोटल यहाँ पे आपको 2, 4, 5, 6 सीटर या फिर आप 7 सीटर भी इसको बोल सकते हो। इसकी ब्रेकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको रियर एंड फ्रंट दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं ABS के साथ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। तो ब्रेकिंग सिस्टम इसका ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो फुल्ली लोडेड गाड़ी है गाइज, जो लोग स्कॉर्पियो लवर थे बट उनको कुछ फीचर्स नहीं मिलते थे उनको, या फिर आप बोल लीजिए अंदर जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा लग्जरी नहीं मिलता था, वो आपको स्कॉर्पियो एन में पूरा देखने को मिलेगा आप। एंड यहाँ पे जो भाई लोग का रिव्यू भी था वो भी बोले कि काफी ज्यादा अच्छा हो गया है ये, इसमें थोड़ी सी लग्जरी हो गई अगर स्कॉर्पियो एन क्लासिक से कंपेयर करेंगे, क्यों भैया? बिल्कुल। और यहाँ पे इसका मीटर कंसोल एंड इसका सेंटर कंसोल कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा लग्जरी है ये। रोड प्रेजेंस भी इसका बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर आप अंदर बैठे हुए हो तो आप खुद ही देखोगे कि बाहर से लोग आपको कितना मुड़ के देखते हैं। सो गाइस ये था स्कॉर्पियो एन, काफी ज्यादा बढ़िया है एंड क्लासिक से कंपेयर करेंगे तो लग्जरी बहुत है, फ्यूचरिस्टिक बहुत है, फीचर्स बहुत ज्यादा बढ़िया मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं पीछे सेकंड रो में बैठा हूँ एंड यहाँ पे आपको कैप्टन सीट देखने को मिलता है और बैठने में आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील आने वाला है। एंड यहाँ पे आपको जो इसका सनरूफ दे दिया गया है और भी इसमें आपको जो सेंटर कंसोल में चेंजेस है उसके वजह आप भी कुछ बताइए, उसकी वजह से इसका जो फीचर्स है और जो लग्जरीनेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखिए गाइस इसमें हिल असिस्ट है, अब गाइस देखिए इसमें हिल असिस्ट देख लीजिए, 3 सेकंड के लिए गाड़ी रुक जाएगी उसके बाद आप उस बटन स्टार्ट करके गाड़ी जी आगे ले जा सकते हैं।
2-3 सेकंड के लिए गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है। योर व्हीकल इज रनिंग ऑन। तो गाइस ये था इसका हिल असिस्ट। आए हैं स्कॉर्पियो क्लासिक लेने के लिए। अच्छा, और उन्होंने बोला हमें 3 स्कॉर्पियो वैन दिखाई, हमने कहा आइए देखिए, और प्रीमियम तो काफी ज्यादा रिच कॉफी कलर मिलेगा आपको। हाँ, आपको यहाँ पे इंटीरियर काफी ज्यादा बढ़िया मिलने वाला, पूरा लेदर स्टिचिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कैप्टन सीट, सनरूफ, यहाँ पे आपको मीटर कंसोल, काफी ज्यादा मतलब अच्छा चीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक भैया पीछे यहाँ बैठे हुए निकल गए। तो बहुत बढ़िया था यार स्कॉर्पियो एन, पूरा रिव्यू लिए। और ये थे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू मेरे भाई, जो पूरा डिटेल रिव्यू दिए, टेस्ट ड्राइव रिव्यू दिए स्कॉर्पियो एन का। एंड इनका भी बहुत ज्यादा हेल्प रहा रिव्यू देने में। क्या इंजन देखने को मिलता है इसमें? इसमें एमहॉक इंजन मिल जाएगा आपको। अच्छा, एमहॉक इंजन। बाईस सौ सीसी इंजन मिल जाएगा। मैनुअल में 370 एनएम टॉर्क मिल जाएगा और ऑटोमेटिक में आपको 380 एनएम टॉर्क मिलेगा। अच्छा अच्छा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटो अपडेट्स एंड कार से रिलेटेड रिव्यू हमेशा पाने के लिए।